जय जोहार संगवारी हो। और आज मैं आ गई हूँ कलेक्ट्रेट गार्डन, यहाँ पे हो रहा है अनशन, क्योंकि आज आयुष्मान मित्राओं को नोटिस दिया गया है कि 8 दिन के अंदर ही आप लोग का जॉब चले जाएगा। तो देखते हैं इन लोग क्या चाहते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और देख रहे हैं आप लोग पीछे कितना ज़्यादा क्राउड है। और यहाँ पे कोरोना के टाइम पे इनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो देख सर, 22 तारीख को हमको लेटर आया है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। हमारी कंपनी है एमडी इंडिया, वहाँ से हमें लेटर आया है कि आपको जॉब से निकाल दिया है। उसमें बस इतना बोल रहा है कि 31 तारीख को आपको लास्ट डेट है, आप कोई देख लो। हमें बस इतना ही बस बोल रहे हैं, मेल किए और कुछ नहीं। हमें वहाँ से दे दिया लेटर तो 1 महीने पहले देना था, ताकि हम भी इस कोरोना कॉल के कारण तीसरी लहर आ गए हैं। हम लोग क्या करेंगे, 8 दिन भी अचानक से ऐसे कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे। और हमारी मांगे बस ऐसी हर सबकी रद्द होती है। लगभग हम लोग 8 साल से इस फील्ड में काम किए जा रहे हैं। 2014-15 से स्मार्ट कार्ड से उस फील्ड से अभी तक आए जा रहे हैं। उसमें भी हमारी सैलरी भी कम है, सैलरी का भी हम लोगों को बहुत इशू है। और हर साल यही नाटक रहती है कि हाँ साल भर में आपको कोई हटा दिए। आयुष्मान मित्र जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने राज्यपाल से लेकर जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। क्या कारण है उन्हीं से जाकर समझते हैं। आज आप लोग सभी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, कारण क्या है? हॉस्पिटल में कारण तो हम लोग को भी पता नहीं है सर, एक्चुअली कि क्या कारण है। हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट लोगों का कार्ड बनाते हैं, जो भी एडमिट होने आते हैं पेशेंट का जो उसका कार्ड बनाते हैं, जो आयुष्मान के थ्रू एडमिट होते हैं। अभी क्या किए हैं ये लोग, एमडी इंडिया कंपनी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल हम लोग करा कर रखे थे हमने टेंडर के लिए। तो अभी उन लोग क्या किए हैं, चॉइस सेंटर में आईडी दे देकर पूरा कार्ड बनवा दिए हैं। ठीक है, जब पूरा कार्ड कम्प्लीट हो गया है आज यहाँ पे आप लोग हमें एक हफ्ता पहले ही हम लोग को नोटिस दिया गया है कि हमें ये मतलब इस पद से हम लोग को हटा दिया जाएगा ऐसा करके। और हम लोग यहाँ पे 8-10 साल हो गया है इस जॉब में। आयुष्मान मित्रा पहले हम लोग एसडीओ से डीपीए बने, डीपीए से हम मित्रा बने, और ये सब सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। क्यों हटाए, क्या बता रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को दिया जा रहा है, निजी हॉस्पिटल वालों को दिया जा रहा है कि वो नियुक्त करेंगे मित्रा अपनी तरफ से करके। नोटिस उनको मिल चुका है, लेकिन जॉब इस चीज़ है कि वहाँ पे तो पूरा पैसे की धांधली होगी। रखा हम लोग को नियुक्त इसलिए किया गया था क्या, ताकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों पे नजर रखें कि वो अभी वो पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पेशेंट का सही तरीके से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आयुष्मान कार्ड से। लेकिन जब हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से हम लोग वापस रखा जाए, और ये सब नोटिस है ना।
और हम लोग की तीन मांग है सर, हमारी तीन मांग कंप्लीट होनी चाहिए देखिए। बातचीत से स्पष्ट है कि इनको नौकरी से बगैर नौकरी दिए यहाँ पे निकाल दी गई है और हालात ये है कि